इस टॉपिक में हम सूचना के अधिकार के बारे में जानेंगे। सूचना के अधिकार का आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन जन आंदोलन की सफलता के एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह आंदोलन सरकार से एक बड़ी मांग को पूरा कराने में सफल रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई और इसका नेतृत्व किया मजदूर किसान शक्ति संगठन ने। राजस्थान में काम कर रहे इस संगठन ने सरकार के सामने यह मांग रखी कि अकाल राहत कार्य और मजदूरों की दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा किया जाए। यह मांग राजस्थान के एक बेहद पिछड़े इलाके भीम तहसील में सबसे पहले उठाई गई थी। इस मुहिम के तहत ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा। दरअसल इन लोगों को लग रहा था कि स्कूलों, डिस्पेंसरी, छोटे बांधों तथा सामुदायिक केंद्रों के निर्माण कार्य के दौरान उन्हें दी गई मजदूरी में बाहरी घपला हुआ है। कहने के लिए ये विकास परियोजनाएं पूरी हो गई थी, लेकिन लोगों का मानना था कि सारे काम में धन की हेराफेरी हुई है। पहले 1994 में, उसके बाद 1996 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जन सुनवाई का आयोजन किया और प्रशासन को इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा। आंदोलन के दबाव में सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ा। नए कानून के तहत जनता को पंचायत के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। संशोधन के बाद पंचायतों के लिए बजट, लेखा, खर्च, नीतियों और लाभार्थियों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया। अब पंचायतों को इन मदों के बारे में नोटिस बोर्ड या अखबारों में सूचना देनी होती है। 1996 में MKSS ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया। इस कार्यवाही का लक्ष्य सूचना के अधिकार को राष्ट्रीय अभियान का रूप देना था। इससे पहले कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर यानी उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, प्रेस काउंसिल तथा शौरी समिति ने सूचना के अधिकार का एक मसौदा तैयार किया था। 2002 में सूचना की स्वतंत्रता नाम का एक विधेयक पारित हुआ था। यह एक कमजोर अधिनियम था और इसे अमल में नहीं लाया गया। सन 2004 में सूचना के अधिकार के विधेयक को सदन में रखा गया। जून 2005 में विधेयक को राष्ट्रपति को की मंजूरी हासिल हुई।